अहिंसा के प्रवर्तक पार्श्वनाथ की धरा पर मधुबन शिखर जी में रविवार को कांग्रेस के बड़े नेताओं की मौजूदगी में झारखंड के कांग्रेस कार्यकर्ताओं का 3 दिवसीय चिंतन शिविर प्रारंभ हुआ। उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए झारखंड कांग्रेस के प्रभारी अविनाश पांडे ने कहा कि कांग्रेस पार्टी की ताकत कार्यकर्ता रहे हैं, कार्यकर्ताओं के संघर्ष के बल पर ही पार्टी को लक्ष्य की प्राप्ति होती है। उन्होंने कहा कि देश में अमन चैन और शांति के लिए कांग्रेस को वापस लाना बहुत जरूरी है, तभी देशवासियों का भला होगा। साथ ही पार्टी कार्यकर्ताओं का आह्वान किया गया, कांग्रेस को मजबूत करने के लिए हम सभी को जमीनी स्तर पर काम करने की जरूरत है। सिद्धांतन भवन के सभागार में 22 फरवरी तक चलने वाले चिंतन शिविर में मुख्य रूप से झारखंड कांग्रेस के प्रभारी अविनाश पांडे, सह प्रभारी उमंग सिंघार, प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर, संगठन प्रभारी केसी वेणुगोपाल बतौर वक्ता शिविर में प्रस्तावित विषयक सत्रों को संबोधित करेंगे। अलग अलग विषयों पर चर्चा जो हो रही है वो राजस्थान अपना झारखंड के परिप्रेक्ष्य में वर्तमान हमारे जो इश्यूज हैं, जो हमारे मुद्दे हैं, जिनके आधार पर राजस्थान झारखंड का आने वाले समय में सही दिशा में एक विकास, स्थिरता और साथ ही साथ नई पीढ़ी ने जो एक सपना संजोया हुआ है और एक आशा और उम्मीद के साथ इस गठबंधन सरकार पर विश्वास किया है, उसके लिए हमारी जिम्मेदारी को निहित करना ये भी बहुत आवश्यक है। और सब जब भी संगठन मजबूत होगा तो पार्टी मजबूत होगी, मैंने अपने इस बात को रखें। और सरकार और पार्टी में समन्वय का जो भी हम काम करते हैं, तो अगर संगठन उसका प्रचार प्रसारण करे तो बेहतर साबित होगा, लोगों को बीच में अच्छा मैसेज जाएगा। और संगठन ब्लॉक में, पंचायत और बूथ लेवल से उठकर ऊपर में आए, इस बात को रखने के काम हम लोगों ने किया जो चौगा। और सब अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।